Hi, friends, this is Chavi, and again you are watching our official YouTube channel, Ada247. And I welcome you all in the day four of Mega Quiz. Yes, we discuss here some static uh, related questions as well as their answer and some additional information. Yes, we have here some question related to folk dances, wildlife centuries. नेशनल पावर प्लांट्स थर्मल पावर प्लांट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर द कल्चर द मॉन्यूमेंट्स, फोक डांसेस वॉट एवर यू हैव रेड एन स्टैटिक अवेयरनेस तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे स्टैटिक क्विज़ की और सबसे पहले क्वेश्चन की तो देखते हैं इस सेशन का आज का फोर्थ डे का सबसे पहला क्वेश्चन नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एंड द क्वेश्चन लेटेड टू देडक्वार्टर ऑफ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज एफ एस एस ए आई सो क्वेश्चन इज वीट इज द्वार्टर ऑफ फूड एंड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड योर ऑप्शन आर चेन्नई कोलकाता जयपुर पुणे एंड मुंबई सो फ्रेंड्स क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट इज द फुलशन एब्रीवियेशन आप देख सकते हैं एफ एस 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 सॉरी एफ डबल एस ए आई और उसका जो फुल फॉर्म है वो आपको याद रखना है तो क्वेश्चन में ही क्या है एक इंफॉर्मेशन है क्या है इसका फुल फॉर्म फुल फॉर्म इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर तो जल्दी से जल्दी अंशुजा हेज गिवन रॉन्ग आंसर दे आंसर इज पुणे एक्चुअली पुणे नहीं है इसका आंसर चलिए और बात करते हैं पुणे भी मिल रहा है कोलकाता मिल रहा है ओके 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 मुंबई मुंबई देखते हैं इसका आंसर है कि नहीं गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग एवरीबडी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस की और सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वाटर पूछा गया है चेन्नई भी मुझे आंसर मिल रहा है तो चलिए देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो क्वार्टर है उन पे आपको फोकस करना है बिकॉज 90 परसेंट स्टूडेंट्स आर गिविंग द रॉन्ग आंसर हेयर नाउ लेट सी दी आंसर इन द नेक्स्ट स्लाइड मे हैव द नेक्स्ट साइड प्लीज ओके okay. अगर आंसर की बात करते हैं तो कहाँ लोकेटेड है यहाँ बात करते हैं आंसर की तो देखिएगा द फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज एन एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ठीक है और अगर इसकी बात करते हैं तो एस्टैब्लिश्ड किस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश हुई है और क्या क्या इसका काम है वो आप देख सकते हैं ठीक है चलिए बताइए अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड की बात करते हैं किस मिनिस्ट्री के अंदर इसका ये आती है तो मिनिस्ट्री क्या है आपकी वेलफेयर कौन सी यहाँ बात करते हैं देखिएगा और अगर हेड क्वार्टर की बात करते हैं तो वो है न्यू दिल्ली एक पार्टिकुलर एक्ट के अंदर काम कर रही है तो वह है फूड एंड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट क्या है टू अगेन आई रिपीट द हेड क्वार्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर अथॉरिटी इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली ठीक है तो तीन इन्फॉर्मेशन यू हैव टू रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन ऑफ डबल एस आई ठीक है किस मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर किस पार्टिकुलर एक्ट के अंदर काम कर रहा है सो एक्ट इज़ एफ एस एस ए एफ एस एस ए आई एक्ट टू थाउजेंड सिक्स एंड दिस अथॉरिटी हैज़ बिन क्रिएटेड फॉर लैंग डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स फॉर आर्टिकल्स ऑफ फूड एंड टू रेगुलेट दियर मैन्युफैक्चर स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन सेल एंड टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड गुड फूड फॉर ह्यूमन ह्यूमन कंजप्शन के लिए अच्छा फूड प्रोवाइड करना इसका क्या है आप बोल सकते हैं जो स्टैंडर्ड्स डिफाइन करना है वो एफ एस एस ए आई का काम है चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर तो देखिएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और आपने याद नहीं रखा चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन हाय एवरीबडी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस का और उनसे रिलेटेड सम इंफॉर्मेशन का एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मेंबर मेंबर कंट्रीज ऑफ आ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज़ सार्क सो द क्वेश्चन इज वेयर इज सॉरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क सार्क मीन्स साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल रीजनल कॉपोरेशन साउथ एशियन कंट्रीज का ये ग्रुप है ठीक है तो साउथ एशियन कंट्रीज सारी जो आपको दिख रही है ऑप्शन में वो हैं लेकिन इनमें से एक कंट्री ऐसी है दैट इज़ नॉट अ मेंबर कंट्री ऑफ सार्क सो ऑफ ऑप्शंस आर इंडिया आर कंट्री चाइना श्रीलंका पाकिस्तान एंड नेपाल ऑल कंट्री कंट्रीज़ आर शेयरिंग देयर बाउंड्री देयर बॉर्डर विद आर नेशन सो आंसर की बात करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है यू विल लर्न दी मेम्बर कंट्री है यू विल लर्न सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सार्क और बात करते हैं ओके सम स्टूडेंट आर से पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान तो सार्क का मेंबर है और इवन जो लेटेस्ट जो इसका समिट हुआ था वो यही हुआ था अगर सार्क की हम नाइनटीन समिट की बात करते हैं चलिए देखते हैं आंसर की बात करते हैं नाव Yes, the answer is aga the answer gibbat karte to answer is China because China is not a member country of SARC. You will find there are as uh, there are eight nations, eight members in SARC. If I talk about the headquarters of South Asian Association for Regional Cooperation, so headquarters located at Kathmandu, Nepal. Kathmandu is the capital city of Nepal as well as the largest Himalayan state in Asia. And I have I have earlier told you that there are eight countries. In the member of SAR. So the countries are Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka. But sometimes, sometimes, not sometimes, many times students make mistake then M stands for Myanmar here. So Myanmar is not a member country of SAR. You will find only eight members, and you can remember these members by remembering a short trick. Short trick is N I P B E. बी ए बी एस एम मतलब निप बाम एस एम मीनस निप मतलब नेपाल एंड स्टैंड फॉर नेपाल निप बाम की अगर बात करते हैं आप कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हैं मैं आपको ट्रिक दे रही हूं एन आई पी ओके एंड बी ए बी एस एम अब देखेगा क्या है एन आई पी ये सबका स्टार्टिंग लेटर है तो एन स्टैंड फॉर नेपाल आई मीन इंडिया पी फॉर पाकिस्तान बी मतलब बांग्लादेश ए मतलब अफगानिस्तान अगेन बी स्टैंड फॉर भूटान एस मतलब आप देख सकते हैं श्रीलंका बच्चा क्या एम और एम याद रखना है आपको मालदीव दीज आर द मामल कंट्रीज ऑफ सार्क अब क्या इंपॉर्टेंट है सार्क में सार्क का हेडक्वार्टर हम देख चुके हैं अगर सार्क के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इस्लामाबाद पाकिस्तान सॉरी यहाँ पे काठमांडू नेपाल में है लेकिन हम लेटेस्ट समिट की बात करते हैं तो लेटेस्ट जो समिट थी वॉज तो नाइनटीन समिट ऑफ सार्क ठीक है जो दो में हुई थी और उसका जो वेन्यू था वो था आपका इस्लामाबाद पाकिस्तान लेकिन हम फर्स्ट समिट की बात करते हैं तो फर्स्ट समिट इज़ सम स, जो पहला समिट था वो आपका हुआ था ढाका बांग्लादेश किस ईयर में इन 1985 ठीक है सो दीज आर दी एडिशनल इंफॉर्मेशंस एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस रिलेटेड टू सार्क जो दक्षिण एशियाई देशों का एक ग्रुप है आपस में कॉपरेशन के लिए चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की सो सोना सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कप्स एंड ट्रॉफीज रिलेटेड टू वेरियस स्पोर्ट्स एंड द क्वेश्चन इज राइडर सॉरी राइडर कप इज असोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स और यू कैन से स्पोर्ट्स सो योर ऑप्शन आर सी प्लेन रेस बैडमिंटन गोल्फ पोलो एंड बास्केटबॉल ठीक है तो आपको आंसर करना है ये जो पर्टिकुलर राइडर कप है वो किस गेम से रिलेटेड कप या ट्रॉफी है बहुत सारे गेम्स हैं उनसे रिलेटेड अलग जो उनसे related, अलग जो स्पोर्ट्स हैं उनसे रिलेटेड अलग अलग ऑर्गेनाइज किया जाता है ट्रॉफी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके आपके में एग्जामिनेशन के लिए श्योर यू एक ना एक क्वेश्चन आपको कप सैन ट्रॉफी और स्पोर्ट्स रिलेटेड जरूर एग्जामिनेशन एस में देखने को मिलेगा बैडमिंटन से रिलेटेड है राहुल कुमार जी कह रहे हैं बैडमिंटन से रिलेटेड है ये अगर राइडर कप की बात करते हैं लेकिन आप देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में बहुत सारे स्टूडेंट सही आंसर कर रहे हैं राइडर कप से रिलेटेड ठीक है तो ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स आर गिविंग द राइट आंसर हेयर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी गोल्फ चलिए बात करते हैं इस से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की या फिर और आपके क्या जो ये गेम है ये आपका है गोल्फ और उससे रिलेटेड है राइडर कप तो और कौन सी कप्स एंड ट्रॉफीज हैं जो कि फेमस हैं जो कि आपको एग्जाम्स के लिए अपकम एग्जाम्स के लिए आपको याद रखनी है सो लेट सी नेक्स्ट स्लाइड ऑफ दिस सेशन और देख सकते हैं कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज़ है या जिनसे रिलेटेड आपको स्पोर्ट और ट्रॉफी का नाम याद रखना है सो माई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज ओके ओके येस yes, अगर देखते हैं कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रेसिडेंट्स कप जो कि रिलेटेड है फुटबॉल से आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि यहां पे मैंने इंपॉर्टेंट आपको क्या दी है कप्स एंड ट्रॉफीज का नाम दिया है और किस रिलेटेड स्पोर्ट से है वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं तो रॉजर्स कप जो कि टेनिस रिलेटेड है राइडर कप अगेन आई रुपीट इट्स रिलेटेड टू गोल्फ थॉमस का बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है मार्क इट एज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट बिकॉज इफ यू विल इफ यू हैव टू रिमेंबर अ कप रिलेटेड टू बैडमिंटन बट इन मैन कैटेगरी सो इट इज़ थॉमस कप बट इफ आई टॉक अबाउट द कप अ ट्रॉफी रिलेटेड टू बैडमिंटन बट इन वीमेन कैटेगरी सो यू हैव टू रिमेंबर ऊबर कप ठीक है उबेर कप ओबेर कप ठीक है उसके बाद अगर वॉकर कप की बात करते हैं तो ये अगेन किससे रिलेटेड है गोल्फ गोल्फ से रिलेटेड है उसके बाद देखिएगा डब्लू बी ए और डब्लू बी सी तो डब्लू बी सेम लेकिन ए और बी क्या है अलग अलग है तो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है किस गेम से रिलेटेड है द तो गेम नेम इज बॉक्सिंग ठीक है तो चलिए बात करते हैं आपका तो बॉक्सिंग और रेसलिंग तो वैसे ही आजकल ट्रेंड में बने हुए हैं ठीक है तो आप क्या करें इसका स्क्रीन शॉट ले लें क्योंकि ये कप्स एंड ट्रॉफीज से रिलेटेड कुछ यूनिक क्या है कप्स एंड ट्रॉफीज हैं ठीक है ठीके? मैंने क्रिकेट और हॉकी से रिलेटेड नॉर्मल टूर्नामेंट्स या ट्रॉफीज की बात नहीं की है इस स्लाइड में ठीक है so, सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू करेंसी एंड कैपिटल एंड द क्वेश्चन इन इज फ्योंग यांग कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस एंड योर ऑप्शंस आर कोरिया अर्जेंटीना हांग हांगकॉन्ग ब्राज़ील एंड भूटान ठीक है तो बताना है कि ये पियोंग एक कैपिटल है इनमें से किस देश का ये कैपिटल है और आप ऑप्शंस अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑप्शन ए इज़ कोरिया बी इज अर्जेंटीना सी इज़ हांगकॉन्ग डी इज़ ब्राजील एंड ई इज़ भूटान हेयर तो जल्दी से जल्दी आंसर करिए कार्टन श्रीजात जी कह रहे हैं भूटान है ठीक है ओके ओके कोरिया भी मुझे आंसर मिल रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स का ओके ऑप्शन सी हॉन्ग भी मिल रहा है तो ये ऑप्शन मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि कंफ्यूजिंग ऑप्शन है कुछ कुछ ऐसे हैं आपके यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑप्शंस हैं उनकी जो कंट्री है उनका जो कैपिटल है सेम कंट्री के नाम पे ही है ठीक है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन जो कि कंफ्यूजिंग होते हैं वो आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे और नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग द राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑप्शन ए ऑप्शन ए ठीक है बट 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 सम स्टूडेंट्स आर गिविंग आंसर एज साउथ कोरिया बट देर आर टू नेशन वन इज नॉर्थ कोरिया एंड सेकेंड वन इज साउथ कोरिया तो देखते हैं आप पे इसका सही आंसर इन द नेक्स्ट स्लाइड ओके okay, अगर कैपिटल की बात करते हैं तो व्योंग यंग इज़ द कैपिटल ऑफ कोरिया और ये किसकी है नॉर्थ कोरिया की ये कैपिटल है जो कि लोकेटेड है थियोंग डोंग रिवर पर और अगर यहाँ के नॉर्थ कोरिया की करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी इज नॉर्थ कोरियन वॉन ठीक है अभी साउथ कोरिया मुझे आंसर में मिल रहा था लेकिन साउथ कोरिया की कैपिटल की बात करते हैं तो सोल है ठीक है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइनर सर डिफरेंस है वो आपको याद रखना है अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए फाइन स्क्रीन ले सकते हैं इसमें क्या है करेंसी आपको प्रोवाइड किया है कंट्री आपको प्रोवाइड किया है और क्या प्रोवाइड किया है उसका कैपिटल नाउ लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन ऑन स्क्रीन और देखते हैं वो किस से रिलेटेड है ओके दिस इज माई फेवरेट टॉपिक एक्चुअली आई जस्ट लाइक टू रीड द कल्चर द मोन्यूमेंट एंड द स्पेशलिटी ऑफ सिटीज़ ऑफ इंडिया ठीक है तो यहाँ पे एक यूनिक सिटी के बारे में पूछा गया है जो कि एक बिहार की सिटी है जो अपनी सिल्क इंडस्ट्री के लिए बहुत ही फेमस है तो क्वेश्चन इज विच सिटी ऑफ द बिहार इज कॉमनली नोन एज द सिल्क सिटी ऑफ इंडिया एंड योर ऑप्शन आर पटना जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था ठीक है और ये पटना ऐसा सिटी है जहाँ जो एजुकेशन हब एशंट इंडिया का माना जाता था तक्षशिला नालंदा का ये हब हुआ करता था और देश विदेशों से लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे ठीक है तो भागलपुर छपरा पटना एंड गया दीज आर योर ऑप्शन तो देखते हैं मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स आर सेइंग ऑप्शन डी पटना ओके और देखते हैं गया पांचों ही पांचों आंसर थोड़े ना हो सकते हैं फ्रेंड्स तो जल्दी से जल्दी आंसर करिएगा और डू नॉट यू यूज गूगल हेयर आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आंसर दीजिएगा और फिर अपने आप को जज कीजिएगा कि जितने भी स्टैटिक अवेयरनेस शो से यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाता है उसमें से आप कितना स्कोर कितने मार्क्स आप लेते हैं ठीक है अब मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर सही कर रहे हैं ठीक है और uh, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम वी आर फ्रॉम बिहार वी आर फ्रॉम बिहार इसका मतलब बहुत सारे स्टेट से हमारे यहाँ पे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और आंसर की बात करते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं सो यू कैन सी द आंसर इन द नेक्स्ट स्लाइड एंड आंसर इज़ भागलपुर ऑप्शन बी तो देखते हैं क्या खास बात है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिल्क कि किसमें वराइटी यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं सो स्लाइड प्लीज ओके ओके भागलपुर के बारे में बात है यहां पे तो भागलपुर हैज बीन एसोसिएटेड विद द सिल्क इंडस्ट्री फॉर मैनी इयर्स लगभग सौ साल बहुत सालों से मतलब सौ साल से भी ज्यादा पुरानी ये कला है यहाँ की सिल्क की सिल्क के लिए फेमस है एंड फेमस फॉर इट्स टुजार सिल्क एंड भागलपुर इस सारी जो होती हैं उसके लिए ये जो सिटी है बहुत फेमस है ठीक है द सिल्क मैन्युफैक्चर्ड इन भागलपुर इज नोन एज अहिंसा सिल्क एंड एक पोर्टेबल इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे लोकेटेड है वो है एन इंस्टीट्यूट सिल्क इंस्टीट्यूट एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन दिस सिटी तो देखिएगा कभी भी आपको पूछा जाए इंस्टीट्यूट पर्टिकुलर कहां पर लोकेटेड है तो आपको क्या करना देखिएगा दिल्क इंस्टीट्यूट तो जैसे ही दिल्क इंस्टीट्यूट आता है तो आपको झट से टिक कर देना है किस ऑप्शन पे जहां पर आंसर हो उसका भागलपुर ठीक है तो और देखते हैं क्या खास बात है इस स्टेट की देखिएगा कुछ स्टूडेंट जो आंसर कर रहे थे वो पटना आंसर कर रहे थे कुछ स्टूडेंट जो कर रहे थे वो गया आंसर कर रहे थे तो देखते हैं क्या स्पेशलिटी है इन और सिटीज़ की सो मै हैव द नेक्स्ट पीपीटी प्लीज़ देखते हैं क्या खास बात है तो भागलपुर के बारे में जैसे हमने कहा कि भागलपुर सिल्क इंडस्ट्री के लिए बहुत ही फेमस है और ये जो सिटी है वो एक रिवर द फेमस रिवर ऑफ इंडिया द पैस रिवर्स ऑफ रिवर ऑफ़ इंडिया इस गंगा तो गंगा के एक साउदन जो आ, इलाका है वहाँ पे ये लोकेटेड है और इस जो स्टेट है बिहार उसका कैपिटल है पटना विच इज़ विच वॉज अर्लियर नोन एज पाटलिपुत्र और सबसे बड़ी सिटी है पटना इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ बिहार और अगर गया की बात करते हैं तो गया क्या है सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है बिहार की तो कन्फ्यूज़ ना हो आपको याद रखना है ऑर्डर में पटना एंड गया एंड भागलपुर तो पटना इज़ नंबर वन गया इज नंबर टू एंड भागलपुर इज नंबर थ्री तो क्या है ये एरिया वाइज सिटीज हैं तो भागलपुर थर्ड लार्जेस्ट सिटी है और इसे सिल्क इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है जो कि स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है जो मिशन है उसमें भी इस सिटी को इंक्लूड किया गया है ठीक है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और ओके नाउ लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू हेडक्वार्टर ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैंने यहाँ पे डब्लू एच ओ का हेडक्वार्टर नहीं पूछा यहाँ पे मैंने वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर नहीं पूछा यहाँ पे मैंने आई एम एफ का हेडक्वार्टर नहीं पूछा एक ऐसा यूनिक इंस्टीट्यूशन के बारे में हमने यहाँ पे बात की है तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की हो वे द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड यप्शन आर न्यूयॉर्क यू एस ए न्यू दिल्ली इंडिया लंदन यूनाइटेड किंगडम वाशिंगटन डीसी यूएसए एंड जनेवा स्विट्जरलैंड तो जल्दी से आंसर की तरफ बढ़ते हैं तो so, सबसे पहले देखते हैं कि कौन आंसर करता है इस क्वेश्चन का ओके okay, तृप्ति पांड्या हैज़ गिवन लंदन एंड सम स्टूडेंट्स आर सेइंग वाशिंगटन डीसी सम स्टूडेंट्स आर सेइंग जनेवा नहीं देखिए जनेवा में लगभग आठ से दस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के या ऑर्गेनाइजेशंस के हेड क्वार्टर हैं लेकिन हम इस इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो ग्रेवियंस से रिलेटेड ये सॉल्व करता है ये ह्यूमन राइट्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करता है तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि एसबीआई में आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इजी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे ठीक है वहाँ पे थोड़ा टफ क्वेश्चन आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ठीक है तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की राज रा, जी कह रहे हैं कि लॉक कर दिया जाए तो श्योर लॉक कर देते हैं इसका आंसर आंसर एंड इज़ ऑप्शन सी लंदन यूनाइटेड किंगडम तो चलिए बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की लेट्स सी दी इंपॉर्टेंट ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल इट इज एन इट इज गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे फोकस किस पे फोकस करती है ह्यूमन राइट्स पे फोकस करती है एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड इन 1961 एंड द फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज मिस्टर पीटर बेनसर फाइन स्क्रीनशॉट ले लीजिए फाउंडेशन है हेड क्वार्टर है क्या फोकस है इस ऑर्गेनाइजेशन का लाइक वर्ल्ड बैंक क्या है एम ऑब्जेक्टिव क्या है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसको लोन प्रोवाइड करवाना ठीक है तो इसका जो मोटो है ऑब्जेक्टिव फोकस है वो किस पे ह्यूमन राइट्स पे ठीक है तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो भी स्टूडेंट सही है उनके लिए गुड आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है अगर आप सारे क्वेश्चन का हमें आंसर दे पा रहे हैं तो नाउ नॉलेट सी नाउ नॉलेट सी डी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेटेड है किससे इंटरनेशनल सॉरी जो बैंक है उसकी टैग लाइन से आई रिपीट द हेड क्वार्टर ऑफ नेशनलाइज बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक एज वेल एज फॉरेन सेक्टर बैंक आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टैग लाइन यू हैव टू रिमेंबर यू हैव टू रिमेंबर हेड हैडक्वाटर्स ऑफ बैंक्स तो यहाँ पे हमने पूछा गया है क्या आपसे आपको इंटरनेट जो आपका बैंक है इंडिया में और जहाँ पे अभी आप देख सकते हो ऑप्शन में सारे हमने पब्लिक सेक्टर बैंक ही ऑप्शन में लिए हैं तो जो टैग लाइन है वो है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक ये किसकी टैगलाइन है सो क्वेश्चन इज ऑफ महाराष्ट्र बैंक ऑफ बड़ौदा एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो जल्दी से बढ़ते हैं क्योंकि कुछ फैक्ट्स हैं इस बैंक से रिलेटेड इसीलिए इसकी जो टैगलाइन है इसी से रिलेटेड है जब आप इस बैंक को डीप में पढ़ेंगे तो ठीक है और भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको अलाहाबाद बैंक का हेडकॉर्टर सॉरी टैगलाइन पता है आंध्रा बैंक का पता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पता है बैंक ऑफ़ बड़ौदा का पता है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पता है तो जो सही आंसर है वो आप जल्दी से हमें यहाँ पे दे दीजिए अपने कमेंट बॉक्स पे और ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी बैंक इज़ बी ओ बी बैंक इज़ बैंक ऑफ बड़ौदा तो चलिए देखते हैं और क्या खास बात है देखिएगा अलाहाबाद बैंक की बात करें तो सबसे ओल्डेस्ट सबसे पुराना कमर्शियल बैंक माना जाता है जो 1865 में आया था ठीक है और अगर टैगलाइन की बात करते हैं तो जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र वन फैमिली वन बैंक ये इसकी टैग है ठीक है और फैक्ट्स की बात करते हैं आपकी नेक्स्ट स्लाइड में सो मैव द नेक्स्ट पीपीटी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़ आप देख सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ बैंक की टैगलाइन से रिलेटेड या क्या और क्यों इस बैंक की टैगलाइन है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है ठीक है सो नाउ लेट सी मैं आप द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज ओके सो बैंक इज बैंक ऑफ बड़ौदा हेड क्वार्टर इज लोकेटेड इन वड़ोदरा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि मैम इसका हेड क्वार्टर कहाँ है ठीक है तो हेड क्वार्टर आप देख सकते हैं और फॉर श्योर हंड्रेड परसेंट श्योर इसका हेड क्वार्टर वडदरा में है आई इफ आई टॉक अबाउट द बैंक ऑफ बड़ौदा इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया लेकिन लार्जेस्ट बैंक की बात करते हैं तो लार्जेस्ट बैंक इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इफ आई टॉक अबाउट बैंक ऑफ बड़ौदा सो इट वॉज नेशनलाइज इन नाइनटीन सिक्सटी नाइन नाइनटीन वैन थर्टीन मेजर बैंक्स तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बिकॉज बैंकिंग नेशनलाइज वॉज टुक प्लेस इन टू स्टेप्स इन इंडिया स्टेप वन एंड स्टेप टू इन स्टेप वन इट वॉज इन नाइनटीन सिक्सटी नाइन एंड मेजर बैंक्स वॉर नेशलाइज एक पर्टिकुलर कैपिटल से ऊपर जिन बैंक्स का क्या था कैपिटल था और उन बैंक्स का क्या किया था नेशनलाइजेशन किया था जिसमें एक बैंक था आपका बैंक ऑफ बड़ौदा ठीक है क्या कह रहे हैं आप श्रद्धा तिवारी जी आप क्यों कह रहे हैं नहीं मैम चलिए आप बताइए आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो ठीक है लार्जेस्ट बैंक हमने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है हमने यहाँ पे लार्जेस्ट बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं किया है ठीक है हमने कहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा इज द सेकेंड लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया ठीक है तो जितनी भी बैंक्स देखिए एक सेशन हमने लिया है एक रिकॉर्डेड आपको एक टीजर हमने यहाँ प्रोवाइड किया है फाइव मिनट्स का उसमें हमने बैंक के जो हेड क्वार्टर हैं और टैग लाइन्स हैं वो आपको प्रोवाइड की गई हैं ठीक है पंच लाइन्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक नाउ लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फेमस मोन्यूमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी और जो सिटी है जो प्लेस है वो है बीजापुर सो बीजापुर इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स ऑप्शन ए स्टैचू ऑफ गोमटेश्वरा गोल गुमज़ जूना फोर्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी एंड सन टेम्पल आपको बताना है जो प्लेस है बीजापुर वो इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसके लिए फेमस है तो ऑप्शन में है स्टैचू ऑफ गोमटेश्वर गोल गम्ब जूना फोर्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी एंड सन टेम्पल तो जल्दी से जल्दी जल्दी बताना है आपको क्या सही आंसर है इस क्वेश्चन का ओके 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 ऑप्शन सी ओके ऑप्शन ए भी हमें मिल रहा है स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर ओके चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ सो लेट सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन द आंसर राइट आंसर इज ऑप्शन बी देखते हैं क्या खास बात है इस गोल गुम्मस की जो कि बीजापुर में लोकेटेड है और किस स्टेट में ये लोकेटेड या सिचुएटेड है नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ मूव करते हैं ओके सो दिस इज़ लोकेटेड इन बीजापुर कर्नाटक ठीक है जो कि मार्क विच वॉज बिल्ड टू मार्क द टॉम्ब ऑफ मोहम्मद आदिल शाह अब क्या है देखिएगा बीजापुर में लोकेटेड है क्या है गोल गुम्बस ये आप एक सीनरी इसका व्यू भी देख सकते हैं जो इस स्लाइड पे दिया गया है ठीक है और एक मोहम्मद आदिल शाह की टॉम उसको मार्क करने के लिए टॉम बनाया गया है और यहाँ पे आ, यहाँ पे अगर बात करते हैं जो ये कल आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो ये डेक्कर आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग इस गोल गुम्बस को बनाया गया है जो कि एक आकर्षण का केंद्र है कर्नाटका का ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कहाँ पे ये फेमस मॉन्यूमेंट रिलेटेड है अगर देखिएगा अगर हम प्रीवियस स्लाइड की बात करते हैं तो प्रीवियस स्लाइड में आप देखेंगे कि प्रीवियस स्लाइड में हमने कुछ आपको ऑप्शंस लिए थे उसमें ऑप्शंस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑप्शंस है वो ऑप्शन डी और ई है बिकॉज ऑप्शन डी आपके स्टैचू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड है जो कि सरदार वल्लभ भाई जी पटेल का जिनके से रिलेटेड हम यूनिटी डे मनाते हैं ठीक है उनसे रिलेटेड है जो कि गुजरात में एक नदी के किनारे बनाया जा रहा है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू माना जाएगा ये उसके बाद जो सन टेम्पल है वो कोलार का सूर्य मंदिर है जो कि ओडिशा में लोकेटेड है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं सो फ्रेंड्स यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में आपको ऑप्शन प्रोवाइड करने का ही हमारा मोटो नहीं है जितने भी ऑप्शंस हैं कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको सारे ऑप्शंस का रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप सर्च कर लीजिएगा क्योंकि सारे मॉन्यूमेंट्स हमने बहुत इंपॉर्टेंट लिए हैं सब इस क्वेश्चन में ठीक है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमने इसका एक्सप्लेनेशन भी देख चुके हैं कि कर्नाटका में लोकेटेड है और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और ठीक और नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है आपके फेमस टेंपल से फेमस मॉन्यूमेंट से और क्वेश्चन है जैन टेम्पल्स आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एंड योर ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र मध्य प्रदेश एंड पंजाब तो जल्दी से जल्दी आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अब जैन टेम्पल्स हैं आकर्षण का केंद्र है तीर्थ स्थल भी मान सकते हैं आप इसको एक्चुअली तीर्थ स्थल है अगर हम जैन धर्म से रिलेटेड पीपल की बात करते हैं तो इनमें से जो आपके ऑप्शन हैं उसमें से एक स्टेट में दिलवाड़ा के जैन टेम्पल आपके लोकेटेड हैं ठीक है तो शायद ही बहुत कम स्टूडेंट्स इसका आंसर दे पाएँ देखिएगा आंसर दिया भी है कुछ लोगों ने गलत कुछ लोग कह रहे हैं पंजाब में लोकेटेड है कुछ लोग कह रहे हैं मध्य प्रदेश में लोकेटेड है कुछ लोग महाराष्ट्र भी आंसर कर रहे हैं बट 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 अगर आपने स्टैटिक अवेयरनेस शो का सबसे पहला जो सेशन देखा था वो राजस्थान से रिलेटेड है और राजस्थान से रिलेटेड जब हम मोन्यूमेंट्स की बात करते हैं या हिल स्टेशन की बात करते हैं एक्चुअली अगर राजस्थान की हम पार्ट की बात करते हैं तो डेज़र्ट पार्ट बहुत ज़्यादा मिलता है अगर आप राजस्थान थार रेगिस्तान की बात करते हैं लेकिन लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सिर्फ थार के मरुस्थल के लिए ही जाना जाता है नहीं फेमस मोन्यूमेंट्स फेमस टेम्पल्स फेमस फोर्ट्स और फेमस किलो फेमस महलों के लिए भी राजस्थान को जाना जाता है राजाओं का स्थान ही क्या है राजस्थान इसे सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं यह है राजस्थान तो देखते हैं क्या खास बात है यहाँ के मंदिरों की ठीक है क्या खास बात और क्यों किस एक स्पेशल पत्थर से इसे बनाया गया है तो दिलवारा टेम्पल्स आर लोकेटेड एट माउंट आबू जो कि एक फेमस फेमस हिल स्टेशन है एक लोहता हिल स्टेशन है राजस्थान में ठीक है और टेम्पल्स बिल्ट बाय वास्ता पुल तेजपाल ठीक है और किस पर्टिकुलर तो ये इलेवेंथ एंड थर्टीन सेंचुरी के मध्य में बनाया गया था और अपने जो मार्बल एक अलग तरीके का पत्थर होता है जो वाइट शेड का एक्चुअली होता है हम मेजोरिटी में बात करते हैं तो उसका एक यूनिक यूज यहाँ आपको देखने को मिलेगा दिलवाड़ा के जैन टेंपल में और बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस प्लेस माना जाता है जैन जो बिलग्रमेज जो साइट है वर्ल्ड में ये फेमस है बहुत देश विदेशों से लोग इस यूनिक एक कलाकृति एक मंदिर को देखने आते हैं ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है दिलवाड़ा के जैन मंदिर ठीक तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की वो होके हाँ माइनस में टेम्परेचर जाता है रोहन देरे जी अगर हम या माउंट आबू की बात करते हैं हिल स्टेशन की बात करते हैं क्योंकि राजस्थान को ज़्यादा टेम्परेचर के लिए जाना जाता है नाउ लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यू कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन एंड इट इज रिलेटेड टू फेमस फोक और ठीक है सो द क्वेश्चन इज ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू जे एंड के जम्मू एंड कश्मीर ऑफ इंडिया एंड योर ऑप्शन आर गैर चिरमी दुमहल सत्तारिया एंड छोलिया डांस इनमें से आपको चूज करना है कि यहाँ पे ओके okay, यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि कौन सा जम्मू कश्मीर से रिलेटेड डांक्स नहीं है ठीक है तो जल्दी से जल्दी आंसर करिएगा ओके निधि कुमारी जी कह रही है कि माय बर्थ प्लेस इज़ योर बर्थ प्लेस इज़ राजस्थान ठीक है तो राजस्थान के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए ठीक है तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की अधिकतर आंसर मुझे सही मिल रहे हैं तो इसका मतलब जो हमने जम्मू कश्मीर से रिलेटेड स्टैटिक अवेयरनेस शोज लिया शो लिया था सम स्टूडेंट्स आर सही गेयर आल्सो नहीं आप स्टैटिक अवेयरनेस शोज़ के जितने भी शोज़ हैं जो हमने कंडक्ट किए हैं आपको एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड किया गया है आटर टू फोर सेवन चैनल पर वहाँ हम उस प्ले लिस्ट में स्टैटिक अवेयरनेस शो की प्ले लिस्ट पर आप जब जाएंगे आपको मिलेगा क्या स्टार्टिंग शो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से रिलेटेड वहाँ हमने कल्चर और फोक डांसेस की भी बात की है और उसमें जम्मू कश्मीर पे क्लिक करिएगा तो आपको फोक डांस में मिलेगा दुमुहल एंड रॉफ विच आर द फेमस फोक डांसेस ऑफ दिस स्टेट तो चलते हैं बढ़ते हैं कुछ ख़ास बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं तो जो आपको ये इमेज दिखाया गया है ग्रुप डांस का वो किसका है दु का है ठीक है तो ये क्या है दुमहल डांस द डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिसका जम्मू एंड कश्मीर जो कि भारत का स्वर्ग माना जाता है अपने एक यूनिक ब्यूटी के लिए ये इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है और अगर इस फेमस फोक डांस की बात करते हैं दुमहल की तो एक फोक डांस कश्मीरी पीपल का है जिस डांस की आप देख सकते हैं एक यूनिक एक वेशभूषा है पीपल वियरिंग लॉन्ग कलरफुल रॉप्स एंड टॉल क्रॉनिकल कैप्स वाइल्ड ज्यूर वाइल्ड या ज्यूरिंग परफॉर्मिंग दिस फोक डांस ठीक है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपसे सिंपल कथकली कुीपुड़ी और आपके जो क्लासिकल डांस है इसकी बात नहीं करी है कुछ ऐसे डांस जो कि आपको बहुत कम पता है लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे क्या है जितने भी आपको फोक डांसेस मैंने यहाँ पे इस स्लाइड में आपको दिए हैं दी अदर फोक डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरूर बिकॉज रॉफ बांध पैंथेर थेर बांध जाशन एंड बाचा नागमा दीज आर द सम फेमस फोक डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फाइन बहुत ही यूनिक वेशभूषा में ये डांस परफॉर्म किया जाता है और जब भी आप जम्मू कश्मीर घूमने जाएंगे आपको ऐसी वेशभूषा में लोग भी मिलेंगे इस वेशभूषा के साथ ये बहुत ही ट्रेंडी लुक है जम्मू एंड कश्मीर का जो आपको इस स्लाइड पे आपको जो एक इमेज दिखाया गया है एक्चुअली दुमहल का ही इमेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है जैसे और अगर हम अभी नेक्स्ट प्रीवियस पीपीटी की अगर प्रीवियस स्लाइड की बात करें जो आपको ऑप्शन प्रोवाइड करे गए थे वो तो सबसे पहला था आपका गैर जो कि राजस्थान का फोर्थ एंक्स है चिरमी वो भी राजस्थान का फोर्थ एंक्स है दुमल ये किसका था आपका जम्मू एंड कश्मीर का छोलिया एंड सतारिया ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन उगे एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंजेस ठीक है तो स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करते हैं तो अलग अलग यूनिक नाम से स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जैसे बी एस सी एन एस सी नेसडैक एंड वाई एस ई तो यहाँ पर हमने बात की है एक स्टॉक एक्सचेंज की वो है विच ऑफ़ द फॉलोइंग्स इज़ द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ रशिया एंड योर ऑप्शन आर पी एस वन टू ज़ीरो डब्ल्यू आई जी एम आई सी ई एक्स नैसडैक एंड ओ टी सी आपको आंसर देना है इनमें से कौन सा स्टॉक एक्सचेंज आपके रशिया से बिलोंग करता है रशिया का स्टॉक एक्सचेंज है ओके okay. अभी पुराने ही मुझे ऑप्शन आंसर देखने को मिल रहे हैं सतारिया फोक डांस जो कि ओरिसा का है घूमर यस घूमर नो डाउट जिसमें राउंड शेप में जो फीमेल्स हैं डांस करती है राजस्थान में ओके okay. अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेटेड है किससे एम आई सी ई एक्स से सॉरी आंसर ही हो गया गलती से यहाँ पे अगर देखिए आंसर की बात कर ही लेते हैं हम आंसर की बहुत सारे स्टूडेंट सही भी आंसर कर रहे हैं और आंसर है आपका एम आई सी ई एक्स जो कि किसका है रशिया का और देखते हैं क्या खास बात है इसकी तो मॉस्को इंटरबैंक करेंसी एक्सचेंज जिसे एम आई सी ई एक्स के नाम एक्चुअली मर्जिंग है दो अलग अलग आपके यूनिट्स का तो ये इंपॉर्टेंट है जब हम रशिया के स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे तो ठीक है ये क्या है मॉस्को एक्सचेंज द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप इन रशिया ऑपरेट्स ट्रेंडिंग मार्केट्स इन इक्विटीज जो कि यहाँ के क्या है सिक्योरिटीज के एग्जांपल्स हैं बॉन्ड्स डेरिवेटिव फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स मनी मार्केट्स में ये डिलीट करता है कब कर स्टैब्लिशमेंट है इट वॉज स्टैब्लिश इन टू थाउजेंड इलेवन बायर्जिंग टू डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स द मॉस्को इंटरबैंक करेंसी एक्सचेंज मीसेक्स एंड द रशियन ट्रेडिंग सिस्टम स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बी एस सी एन एस सी और एन वो एस सी ठीक है जो कि बहुत पॉपुलर है लेकिन हमने क्या किया है रशिया के स्टॉक एक्सचेंज की बात की है पॉपुलर है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इम्पॉर्टेंट है और बी एस सी एन एस सी और एन वो एस सी की हम बात पहले ही सेशन में कर चुके हैं नाव लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ़ दिसशन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अ नेशनल पार्क और बढ़ते हैं कि क्या है नेशनल पार्क से रिलेटेड द नेम ऑफ दिस नेशनल पार्क इज कुमुख नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स एंड योर ऑप्शन आर कर्नाटका केरला वेस्ट बंगाल राजस्थान एंड मेघालय तो आई एम वेटिंग फॉर यू आंसर जल्दी से जल्दी बताए क्या सही आंसर है इस क्वेश्चन का ओके 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 व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट राहुल प्रकाश जी का क्वेश्चन है देखिएगा राहुल जितने भी आपके स्टॉक एक्सचेंज के जो नाम होते हैं कंट्री से रिलेटेड होते हैं वो आपको पता होना चाहिए एंड वो से रिलेटेड है तो किस कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज है अगर आपका ये कॉस्पी है तो किस से रिलेटेड है अगर आपका कोरिया uh, से रिलेटेड है तो क्या उस स्टॉक तो एक्सचेंज का नाम है ठीक है इसलिए आपका स्टॉक इस एक्सचेंजेस के जो नाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ठीक है छेके? तो बात करते हैं इसके आंसर की बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर भी कर रहे हैं बट सम स्टूडेंट्स आर गिविंग द रॉन्ग आंसर स्टूडेंट्स आर सेइंग राजस्थान वेस्ट बंगाल केरला तो जल्दी से जल्दी आप जो हमने कर्नाटका से रिलेटेड क्या लिया था एक सेशन लिया था उसे आप जल्दी से क्लियर कर लें स्टार्टिंग अवेयरनेस शो से ठीक है क्योंकि इसका सही आंसर है देखिएगा के फोर कद्रेमुख एंड के फोर कर्नाटका नॉट केरला हेयर सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कर्नाटका बढ़ते हैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की और तो जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका यहाँ पे कुद्रेमुख नेशनल पार्क की बात की है हमने तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं किस स्टेट में अब जैसे हमने बोला इस स्टेट का ये एक बहुत इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है सो so, मैं कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करूँगी कि नेक्स्ट स्लाइड के लिए ओके सो दुद्र मुखा इज़ अ माउंटेन रेंज माउंटेन रेंज भी है ठीक है जिसमें एक जो एंड द नेम ऑफ अ पीक लोकेटेड इन चिक्खा मैंगलू डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका देखिएगा क्या है इसमें इम्पोर्टेंट ये जो एक कुद्रे मुखे मुखा जो माउंटेन रेंज है कुद्रे मुखा ठीक है मुखा है एक्चुअली थोड़ा सा प्रेजेंटेशन देखते हैं यहाँ पे और इस जो माउंटेन रेंज से ही रिलेटेड ये क्या है नेशनल पार्क है ठीक है जो कर्नाटका में लोकेटेड है और यहाँ पे इसका जो मीनिंग है वो क्या है कुदेरुमुखा है उसका मीनिंग है एक हॉर्स फेस से देखिएगा जब आप इसका व्यू चेक करेंगे एक पर्टिकुलर साइड uh, से तो आपको एक घोड़े की शेप से इसका जो फेस है वो रिजेंबलिंग लगेगा ठीक है द नेम कुदेरुमुखा मीन्स हॉर्स फेस इन कन्नड़ लैंग्वेज एंड रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पिक्चर व्यू ऑफ अ साइड ऑफ द माउंटेन दैट रिजेंबल्स अ हॉर्स फेस ठीक है और अगर इस की हम माउंटेन पीक की बात करते हैं तो कर्नाटका की जो टॉप थ्री जो पीक्स हैं उसमें से एक है कुदेरु आ, कुद, दूरे मुख पीक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिएगा तीन इंफॉर्मेशन या चार इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं वो इन्फॉर्मेशन हैं आपकी माउंटेन रेंज है उसके नाम पे है कर्नाटका में है और जो ये जो रेंज की जो पीक है वो क्या है थर्ड हाईएस्ट पीक है और जो नेशनल पार्क है वो क्या है कुदेरुमुखा नेशनल पार्क Now let's move to the next question of the session and the question is related to art actually, okay? culture actually. So the question is Madhubani, a style of folk paintings is popular is in which of the following states of India? कहाँ पे ये पेंटिंग फेमस है जिसका नाम है मधुबनी पेंटिंग योर ऑप्शंस आर कर्नाटका बिहार वेस्ट बंगाल राजस्थान एंड मेघालय तो बात करते हैं यहाँ पे आपके आंसर्स की तो देखते हैं आंसर कौन देखता है क्या है आपकी मधुबनी किस स्टेट की ये फेमस पेंटिंग है आपके आंसर का वेट है हमें ओके ओके बहुत सारे स्टूडेंट्स उस स्टेट से हमारे यहाँ पे ज्वाइन भी करते हैं ओके कुछ स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल आंसर दे रहे हैं कुछ स्टूडेंट मेघालय भी आंसर दे रहे हैं ओके लेकिन जो लोगों ने बिहार का क्या देखा है स्टैटिक अवेरनेस शो वो इसको एक सेकंड में आंसर कर सकते हैं क्योंकि तो जब हमने बिहार का सेशन कंडक्ट किया था तो वहाँ के कुछ फेमस फीचर्स की बात की थी कुछ फेमस कल्चर की बात की थी तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग की बात की थी जो अपनी कला के लिए फेमस है जो कि ओकेजन्स पे भी ये बनाई जाती है ओकेजन्स को भी ये शो करती है अपनी पेंटिंग्स में आप जब इसकी बात करेंगे तो ठीक है सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एंड अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है इस पेंटिंग के? तो देखते हैं नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट स्लाइड में ओके okay. तो मधुबनी पेंटिंग या इसे कहा जाता है मिथिला पेंटिंग एक्चुअली देखिएगा कैसे याद करें मधुबनी रीजन है या मिथिला रीजन है जो हमारी uh, बात करते हैं जब राम सीता जी की तो सीता जी से बिलोंग करता है ये प्लेस तो मिथिला नरेश जी की पुत्री मानी जाती हैं पुत्री हैं सीता जी और उस रीजन से बिलोंग करती हैं ठीक है इसलिए जनकपुर भी जनकपुरी से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं तो मधुबनी पेंटिंग जिसे मिथिला मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है इट्स अ यूनिक स्टाइल ऑफ इंडियन पेंटिंग प्रैक्टिस इन दी मिथिला रीजन ऑफ बिहार जो कि अगर बिहार की बात करते हैं तो नेपाल बॉर्डर को ये टच करता है बिहार ठीक है तो बहुत ही क्लोज बॉर्डर है और आना जाना भी हम लोगों का वहाँ लगा रहता है बिहार और और नेपाल के लोगों का ठीक है तो ये उस रीज़न की आप बोल सकते हैं ये पेंटिंग है देर आर पेंटिंग्स फॉर ईच ओकेजन्स फेस्टिवल्स मधुबनी पेंटिंग आपको सारे फेस्टिवल्स और ओकेजन में देखने को मिलेगी लाइक like, बर्थडे है आपका एनिवर्सरी है मैरिज है होली है सूर्य षष्ठी है काली पूजा है उपनै उपन्यनम है दुर्गा पूजा है आपका जनेऊ संस्कार भी बहुत फेमस माना जाता है यहाँ का तो उसके लिए जो पेंटिंग है जो आपको यहाँ पे कला मिलेगी इन ओकेजन से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन से रिलेटेड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी तो देखिएगा कैसे याद कर सकते हैं मिथिला इज अ

ठीक है तो चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन की लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टू द क्वार्टर ऑफ साहित्य अकेडमी सो द क्वेश्चन इज वेयर द हेड क्वार्टर ऑफ साहित्य अकेडमी लोकेटेड ये अकेडमी नहीं इसे ऐसे ही अकेडमी ही लिखा जाता है एंड ऑप्शन आर पुणे न्यू दिल्ली कोलकाता मुंबई एंड चेन्नई सो आपको बताना है साहित्य अकेडमी बहुत ही फेमस है इंडिया में और इसके नाम पे मतलब ये अवार्ड भी देती है हर साल तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है कौन सी सिटी में इसका हेड क्वार्टर लोकेटेड है पुणे दिल्ली कोलकाता मुंबई एंड चेन्नई जल्दी से आंसर दीजिएगा ओके ओके आंसर की बात हो रही है और कुछ स्टूडेंट्स ही आंसर दे रहे हैं कोलकाता कुछ स्टूडेंट्स को पुणे भी लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर तो इतना भी इजी नहीं है देखिएगा जब आप अपने देखिएगा याद करना आप एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो एक डिफरेंट थिंग है ठीक है लेकिन आप जब उस पर भी क्वेश्चन की बात करते हैं तब आपको ऑप्शन से क्या कन्फ्यूज़न होता है आप कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये ऑप्शन भी हो सकता है ये ऑप्शन भी होता है इसलिए कंसेप्ट पढ़ना तो सही है ही उसके साथ आपको क्विज़ेस भी सॉल्व करनी है ठीक है तो चलिए आंसर्स की बात करते हैं वेयर इज द हार्ड क्वारर ऑफ दिस अकेडमी साहित्य अकेडमी और इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली में ठीक है सो so, द साहित्य अकेडमी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू द प्रमोशन ऑफ लिटरेचर इन द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया अलग अलग इंडिया की अलग अलग जो लैंग्वेजेज हैं इंडिया की उनके प्रमोशन से रिलेटेड लिटरेचर से रिलेटेड ये काम करता है एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड इन नाइनटीन फिफ्टी फोर इफ आई टॉक अबाउट द हाइस्ट पर्सनलिटी ऑफ प्रेसिडेंट एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन सो मिस्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी एज प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द फोकस एंड दर्किंग सो इट इट ऑर्गेनाइजेज नेशनल एज वेल एज रीजनल वर्कशॉप एंड सेमिनार्स प्रोवाइड रिसर्च एंड पब्लिश बुक्स एंड जर्नल्स इंक्लूडिंग द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड इट प्रजेंट्स द एनुअल साहित्य अकेडमी अवॉर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है हर साल का वार्षिक जो साहित्य अकेडमी जो अवार्ड दिया जाता है उसका प्राइज होता है आप देख सकते हैं एक लाख रुपए का ये अवार्ड दिया जाता है जो कि जो लैंग्वेजेस मानी जाती हैं इंडिया की ऑफिशियल्स में अगर अगर डिफरेंट डिफरेंट्स की बात करते हैं तो लगभग चौबीस लैंग्वेजेस मानी जाती हैं और ये क्या है इन्हीं से रिलेटेड अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है साहित्य अकेडमी अवार्ड आप उसका प्राइज मनी भी देख सकते हैं कितना है ठीक है Now let's proceed to the next question of this session, and let's see what is the next question. And this question is related to a special boat race. In which of the following festivals are boat races a special feature? Knockout ki jo race hoti hai, jo hoti hai, wo se कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली फेमस क्वेश्चन भी है जब हमने उस स्टेट की बात की थी तो वहाँ उस त्यौहार की भी बात की थी और उसके इस पर्टिकुलर फीचर की भी बात की थी तो आपका ये जो ऑप्शन है वो है पोंगल तीजा जिसे तीज के नाम से जाना जाता है गणगोर ओणम आम रोंगाली बीहू तो आपको बताना है सही आंसर ओके ओके सही आंसर की बात हो रही है बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें आंसर कर रहे हैं बहुत जल्दी मुझे आंसर देखने को मिल भी रहे हैं और मुझे लगता है कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने केरला से रिलेटेड क्या देखा है स्टार्टिंग अवर शो देखा है वो स्टूडेंट्स वही वो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर कर पाएंगे ठीक है या आप बहुत जानकारी रखते हो सारे जो भी स्टेट्स हैं उनके फेमस कल्चर की फेस्टिवल्स की तो आप सही आंसर दे पाएंगे ठीक है सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी ओणम देखिएगा अगर यहाँ पे बात करते हैं तो जो बोट गेम है जिसको एक नाम से जाना जाता है वो बल्लम काली मीन्स बोट गेम इज अ ट्रेडिशनल बोट रेस इन विच स्टेट द स्टेट इज केरला इट इज मेनली कंडक्टेड ड्यूरिंग द सीजन ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ओनम इन ऑटम ठीक है एक पतझड़ के मौसम में जो एक त्यौहार मनाया जाता है वो है ओणम जिसके आकर्षण का केंद्र होती है वहाँ के लोगों के द्वारा की जाती है नावों की रेस ठीक है जिसमें अलग अलग तरह की पैडल जो लॉन्ग बोट्स होती हैं उनका यूज़ किया जाता है और ये एक ट्रेडिशनल रेस है केरला के ओणम फेस्टिवल की ठीक है द रेस ऑफ चुंदन वेलम इज मेजर इवेंट एंड वेलम काले इज ऑल्सो एज द स्नेक बोट रेस एंड इज अमेजिंग टूरिज्म अट्रैक्शन आप देखेंगे अलग ही तरह की शेप की यहाँ पे अलग अलग तरह की बोट्स हैं और ये फेमस है आपके केरला में एक फेस्टिवल है जो कि ओणम जो कि ऑटम मतलब आपके पतझड़ के सीजन से रिलेटेड है ठीक है चलिए बात करते हैं आगे आपके क्वेश्चन की नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ़ दिस सेशन आई थिंक मुझे लगता है कि यही इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एरिया विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय एरिया एंड योर ऑप्शन आर गुजरात उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र मध्य प्रदेश एंड राजस्थान जल्दी से बढ़ते हैं यहाँ पे हमने एरिया वाइज जो सबसे बड़ा स्टेट है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है और देखिएगा यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे आंसर्स में कि कितना बड़ा एरिया कितने स्क्वायर किलोमीटर में जो भी इनमें से आंसर होगा वो फैला हुआ है और टॉप थ्री जो कि एरिया वाइज स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं देखिए कन्फ्यूजन है सम स्टूडेंट्स आर सेइंग राजस्थान सामी स्टूडेंट्स आर सेइंग महाराष्ट्र सामी स्टूडेंट्स आर सेइंग उत्तर प्रदेश सबका अपना एक यूनिक फीचर है लेकिन जब भी हम लार्जेस्ट स्टेट की बात करते हैं एरिया वाइज तो आपको यूपी एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात आंसर नहीं देना है बिकॉज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज राजस्थान ठीक है तो आप देख सकते हैं अगर रैंकिंग वाइज मैं बात करती हूँ आपके स्टेट्स की तो नंबर वन रैंकिंग इज Having the state Rajasthan. It is having the area of around. एक्चुअली स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है थ्री फोर डबल टू थ्री नाइन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है नॉट किलोमीटर स्क्वायर इट इज़ स्क्वायर किलोमीटर ठीक है और अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश की तो इट्स अराउंड थ्री ज़ीरो एट टू फोर फाइव नंबर टू रैंकिंग है और नंबर थ्री की बात करते हैं तो महाराष्ट्र इज़ द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया अमंग ट्वेंटी नाइन स्टेट्स एंड हैविंग थ्री जीरो डबल सेवन वन थ्री स्क्वायर किलोमीटर एरिया ठीक है तो क्या है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चलिए यूपी नहीं है एमपी नहीं है क्योंकि देखिएगा कुछ न्यू स्टेट फॉर्मेशन के कारण ए, एक स्टेट आपके सेकंड नंबर पे आ गया था जो कि ए, पहला स्टेट माना जाता था ठीक है तो नंबर वन कौन सा स्टेट है राजस्थान जैसे कि हमने बोला कि इंटरनेशनल बाउंड्री अपनी ये टच करता है पाकिस्तान के साथ बहुत बड़े एरिया में डेजर्ट एरिया भी और मुकेश वर्मा जी ने आंसर भी दिया अराउंड टेन परसेंट जो एरिया है वो Uh, 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 जो नेशनल जो एरिया है इंडिया का जो एरिया है उसका टेन परसेंट टेन परसेंट सिर्फ और सिर्फ किस स्टेट का है आपका राजस्थान का अगर ट्वेंटी नाइन स्टेट्स एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज आपकी जो फैली हुई है हंड्रेड परसेंट एरिया में तो उसमें से टेन परसेंट एरिया किसका है, है राजस्थान का और नाइन पॉइंट समथिंग जो एरिया है वो किसका है आपका जो सेकेंड स्टेट बोला गया था अभी आपका कौन सा मध्य प्रदेश ठीक है नाव यू कैन शेयर योर स्कोर हेयर कि आपको 17 में से कितने आपके जो मार्क्स हैं वो आपको यहाँ पे मिले हैं नाउ यू कैन शेयर योर स्कोर विद मी और आपको बताया जाएगा कि आप कितना आपको और हार्डवर्क करना है और क्या क्या करना है आपको अपना स्कोर बढ़ाने के लिए ठीक है तो जल्दी से जल्दी अपना स्कोर हमारे साथ शेयर कर देंगे आप लोग क्योंकि हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं ठीक है ओके okay? सोलह में से फिफ्टीन लिए हैं मानवी वर्मा जी ने मानवी कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर डूइंग वेल हेयर ठीक है क्योंकि तो अगर हम 17 में लगभग आपके 15 से ओके okay? सुधीर सिंह जी ने अगर सुधीर जी आप सही कह रहे हैं कि 17 सेवनटीन में से यू हैव स्कोर सेवनटीन तो बहुत सही जा रहे हैं आप इसी तरह से जाते रहिएगा ठीक है इसी तरह से अपना स्कोर इसी तरह से कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा और आप चेक करते रहिएगा अपना नॉलेज मेगा क्विज शो के साथ ठीक है एक ही गलत है कुछ स्टूडेंट्स का जिन लोगों के okay, लगभग थर्टीन से या ट्वेल्व से नीचे स्कोर है तो आप एस बी के लिए अपना स्कोर बढ़ाइए विवेक कुमार जी ने भी 17 में से सेवनटीन लिया है ओके okay. देख सकते हैं यू कैन रीवॉच दिस वीडियो और तो आप जज कर सकते हैं अपने आप को कि अभी आप किस स्टेज पे पहुंचे हैं और आप स्टैटिक अवेयरनेस शो से कितना कनेक्टेड है आई रिपीट द जनरल अवेयरनेस अ पोर्शन ऑफ योर एग्जामिनेशन कंप्राइजेज थ्री पार्ट्स फर्स्ट इज स्टैटिक सेकेंड वन इज बैंकिंग एंड थर्ड वन इज करंट अफेयर एंड यू विल फाइंड अराउंड टेन टू ट्वेल्व क्वेश्चन फ्रॉम स्टैटिक ऑनली इन योर जनरल अवेयरनेस सेशन ठीक है सो so फ्रेंड्स बहुत सही है जिनके सेवेंटीन फिफ्टीन से ऊपर मार्क्स हैं ठीक so friends this was all about today i hope you enjoyed this session keep watching our channel at 247 i will come back soon till then take care bye bye